Hello students, welcome in next week Academy online classes. In last video we started chapter 1 of class-8th science, crop production and management. So in that video we discuss about crops and type of crops and which practices are we taken as practices in the agriculture. First practice क्या है जो अपने काम करते कौन सा preparation of soil अपने पढ़ा था फिर sowing बीज बोना फिर adding manual जो खाद है या fertilizer है उनका add करना फिर irrigation सिंचाई उसके बाद आती है protection protecting from weeds खरपतवार से बचाना या animal से भी हार्वेस्टिंग फिर फसल को पकने के बाद काटना थ्रेसिंग जो सीड्स हैं या ग्रेन बोल सकते हैं अपने उसको चाप में से दूसरे में से अलग करना फिर आता है स्टोरेज तो ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जो अपने एग्रीकल्चर के काम में लेते हैं तो सबसे पहले अपने देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी का तैयार करना कैसे मिट्टी है वो तैयार की जाती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर के लिए तो सबसे पहले मिट्टी को क्या किया जाता है लूज किया जाता है टर्न किया जाता है अप एंड डाउन तो इसके लिए तो इसको अपने डेफिनेशन में क्या की थी द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये पहला स्टेप है एग्रीकल्चर का सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन क्या मतलब व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो कौन सा होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो इस में क्या करते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फ्लफिंग तो इसमें किया क्या जाता है सॉइल को फ्लफ किया जाता है खेत को जोता जाता है तो प्रोसेस जिस तरह सॉइल को क्या कहते हैं लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है टर्न मतलब ऊपर वाली मिट्टी नीचे नीचे वाली ऊपर आ जाए तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्लफिंग ये फ्लफ के द्वारा किया जाता है और ये करते हैं फ्लफिंग जिससे मिट्टी क्या हो जाए लूज हो जाए और पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाए उसकी इंक्रीज हो जाए और जो रूट्स हैं क्रॉप की जो फसल की रूट्स होगी जड़ें होंगी वो आसानी से पेनेट्रेट हो जाए इन द सॉइल तो इसलिए अपने ये फ्लफिंग करते हैं तो फ्लफिंग के लिए इंप्लीमेंट्स यानी औजार कौन से काम आते हैं फ्लफ हो और कल्टीवेटर ये तो क्या ट्रेडिशनल पुराने टाइम में फ्लफ और हो ये काम नहीं किए जाते थे देखा होगा आपने पुराने यार पिक्चर वगैरह किसी ने देखा होगा कि पुराने टाइम में क्या था बैलों से जो खेत हमको जोता जाता था उसमें क्या होते थे कईयों में तो दो फ्लफ लगे होते थे हल लगे होते थे इस तरह से बने होते थे कईयों में क्या दो फ्लफ लगे होते थे कईयों में एक लगा होता था फ्लफ तो उनको बैलों से क्या किया जाता था खींचा जाता था हो में क्या होता है एक फ्लफ लगा होता है एक लंबी लकड़ी की बनी उसकी या जो रोड है वो या आयरन करती है उसमें क्या एक फ्लफ होता है ये तो फ्लफ और हो गया और कल्टीवेटर आजकल आपने देखा होगा खेतों किसके द्वारा फ्लफ किया जाता है मिट्टी कैसे तैयार की जाती है कल्टीवेटर्स के द्वारा तो ये क्या मॉडर्न इंप्लीमेंट्स हो गए अपने औजार तो ये था फ्लफिंग उसके बाद आता है सोइंग फ्लफ के बाद क्या आता है सोइंग बीज को उसके बाद बोया जाता है तो बिफोर सोइंग बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी का सिलेक्शन तो बीज बोने से पहले क्या कहता है अच्छी क्वालिटी का बीज और क्या हेल्थी बीज हो अच्छी क्वालिटी का हो और साफ हो कोई उसके अंदर इंप्योरिटी ना हो इस तरह का बीज है वो सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि अच्छा बीज होगा तभी पैदावार है जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा अच्छा होगा उसमें जो डिजीज हैं वो उतनी क्या होंगी कम लगेंगे अगर बीज अच्छा होगा इसके लिए फिर इंप्लीमेंट्स कौन सी होते हैं सीड ड्रिल पुराने टाइम में क्या होता था एक फनल कीप जैसे स्ट्रक्चर इस तरह से आपने देखा होगा ऊपर इस तरह से कीप जैसी एक स्ट्रक्चर होती थी और
द्वारा इसको खींचा जाता था नीचे एक हल ऐसे लगा था तो उसमें बीज क्या करते थे धातु की प्लेट स्ट्रक्चर में। तो अब आजकल क्या है सीड ड्रिल्स बिजाई करने वाली जो बीज बोने वाली क्या मशीनें आ गई इसके द्वारा खींचा जाता है ट्रैक्टर के द्वारा। तो ये दो स्टेप थे प्रिपरेशन ऑफ सोइल और सोइंग। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप जो है एडिंग मैनुअर एंड फर्टिलाइजर। तो मैनुअर और फर्टिलाइजर है जैविक खाद मैनुअर होता है जैविक खाद जो कॉर्नी मैटर्स पे ऐड की जाती है फर्टिलाइजर तो फैक्ट्री में जाती है। इनको क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है ऐड किया जाता है। तो होते क्या है ये फर्टिलाइजर मैनुअर द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैनुअर एंड फर्टिलाइजर। तो ऐसे सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जो अपने क्या करते हैं विच आर एडेड इन द सोइल जिनको मिट्टी में क्या किया जाता है ऐड किया जाता है मिलाया जाता है किसके लिए इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में पोषक तत्वों को हम अपने मिलाते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पौधों के हेल्थी ग्रोथ के। ये किस लिए मिलाए जाते हैं जिससे पौधों क्या हो जाए ग्रोथ बढ़िया हो अपने को जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या अच्छा मिले उत्पादन अच्छा उसके लिए इनको मिलाया गया। इनसे क्या होता है जो प्लांट्स इनको न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरह से मिल पाते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों बड़ी मिलाने की क्योंकि क्या आपने देखा फील्ड में खेतों में कंटिन्यू लगातार क्या कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है फसलें उगाई जाती हैं। तो उसके कारण क्या सोइल की जो फर्टिलिटी है जो उसमें न्यूट्रिएंट है क्या की कमी आ जाती है न्यूट्रिएंट्स में। तो न्यूट्रिएंट की कमी है अब हर एक जैसे अपने को ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं अपने को अच्छे तरह से मिल पाएंगे तो अपनी ग्रोथ का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है जो इनको कहाँ से मिलते हैं लगातार अपने अगर बीज फसल को बोते जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में क्या होगी कमी होगी वो पूर्ति कौन करेगा उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेंगे मैनुअर और फर्टिलाइजर। तो अब क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज मैनुअरिंग मैनुअरिंग क्या होती है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैनुअर एंड फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैनुअरिंग यानी ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा आपने फर्टिलाइजर मैनुअर है इनको ऐड करते हैं सॉइल के अंदर उसको क्या बोला जाता है मैनुअरिंग बोला जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है फर्टिलाइजर और मैनुअर में। फर्टिलाइजर क्या होते हैं जो अपने फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री एग्जांपल यूरिया एंड पोटाश। तो जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और पोटाश हो गया। तो ये क्या है फर्टिलाइजर है आपने सुना होगा खेतों में जब गेहूं बनता है उसमें बोलते हैं ना यूरिया डाल दें। तो ये क्या सारे क्या है फर्टिलाइजर का काम क्या है जो क्रॉप्स है प्लांट्स है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना इनका ये काम है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल होते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट वगैरह ये उसके उनके एग्जांपल हैं फर्टिलाइजर। उसके बाद आता है मैनुअर। तो मैनुअर क्या होता है तो मैनुअर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। तो ये क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैविक पदार्थ है जो मैनुअर है फर्टिलाइजर तो फैक्ट्री में क्या किए थे। अब मैनुअर क्या है जैसे कोई भी घास फूस या पेड़ों की जो पत्तियां हैं टहनियां हैं वो क्या सड़ जल जाती है मिट्टी में डीकम्पोज हो जाती है तो खाद के रूप में बदल जाती है उसको मैनुअर बोलते हैं। या जो एनिमल वेस्ट है जैसे काऊ डंग हो गया तो इनसे क्या किया जाता है या कोई और डोमेस्टिक वेस्ट हो गया तो जो उनसे क्या किया जाता है ये मैनुअल तैयार की जाती है। जैसे आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है आपने पढ़ा होगा ये बड़ा सारा क्या किया जाता है गड्ढा खोदा जाता है पिट किया जाता है बड़ा सारा उसमें क्या किया जाता है जो भी वेस्ट है उसको क्या करते हैं इसके अंदर डाल दिया जाता है और कुछ पानी डाल देते हैं उसमें क्या अर्थवर्म होते हैं जिनको केंचुए बोला जाता है वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं केंचुए और इसको क्या कर दिया जाता है ढक दिया जाता है पिट को। तो वो केंचुए क्या करते हैं उस जो वेस्ट है जो जो भी अपने अंदर डाला उसको खाएंगे और प्रोड्यूस
इनमें थोड़ा सा और डिफरेंस है। फर्टिलाइजर ये अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं फर्टिलाइजर, क्योंकि अपने सोइल में ऐड करेंगे। अब बरसात हुई, बरसात का पानी जो जमीन वाला हो गया, नदियों नहर में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, एयर पॉन्ड्स में भी जाएगा, वो बहेंगे पानी, तो वो क्या होगा, उनको रिवर्स के वाटर को पॉन्ड्स के वाटर को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। क्योंकि उसमें क्या है, ये यूरिया और पोटाश क्या है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में क्या आपके जहरीले होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या है, ये हार्मफुल है, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं अपने। पर जो मैनुअल है, मैनुअल क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सबसे जो बेटर है वो क्या है, ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस अपने मिलाएंगे, वर्मी कंपोस्ट ये क्या अपने लिए बेटर है, इससे न्यूट्रिएंट अच्छी तरह से फसल को मिल पाएंगे और क्या है, ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेंगे। तो ये थे मैनुअल और फर्टिलाइजर, और समझ में आया अच्छे तरीके से इनको किसके लिए ऐड करते हैं, तो इनके नोट्स तैयार कर लीजिए अच्छे से। और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मैनुअल राइट द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड फर्टिलाइजर, व्हाट इज मैनुअल, तो आप बता दो मैनुअल क्या है, मैनुअल इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट्स वेस्ट। फर्टिलाइजर